नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड यार, कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की कुछ अपडेट्स दी थी। आज की वीडियो हमारी स्पेशली होने वाली है चार कोर्सेज के लिए, आप लोगों का LLB, LLM, MBA एंड BTech, इन चार कोर्सेज के लिए आईपी यूनिवर्सिटी ने डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। सो आइए देखते हैं नए नोटिस के अंदर क्या आया है। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट एंड लॉस के। सो यार, आज 30 मई को आईपी यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिस निकाला है जिसके अंदर उन्होंने चार कोर्सेज की बात करी है। इसमें आते हैं हमारा MBA 101, LLB 121 जिसके अंदर आप लोगों का BA LLB और BBA LLB दोनों आ जाते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट है हमारा LLM 112 एंड इसी के अलावा BTech जिसका कोड है 131। सो इन चारों कोर्सेज की जो एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी लेता है वो आप लोगों के नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे लेता है। मतलब आप लोगों का जो CAT, CLAT और JEE मेंस का स्कोर होता है वो उसके बेसिस पे आईपी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देता है। सो अगर आप लोग इन चारों में से किसी भी कोर्सेज के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, बिल्कुल बहुत आगे कर दिया गया डेट्स को। एंड वैसे भी आईपी यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज की डेट्स आगे करता रहता है जो नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे होते हैं। मतलब उनकी काउंसलिंग चलती रहती है और डेट्स आगे बढ़ती रहती है और उसके अंदर बच्चे एंड तक पार्टिसिपेशन कर पाते हैं। सो हाँ, अभी फिलहाल देखते हैं नई डेट्स क्या क्या आई है। सो आईपी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले तो एप्लीकेशन की, मतलब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अब इसके अंदर, एप्लीकेशन डेट को बढ़ा दिया है जो कि बढ़ाया है 5 जून तक। सो 5 जून तक अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों के पास बहुत इनफ टाइम है अब अप्लाई करने का। अभी ये डेट थी आप लोगों की 31 मई तक, लेकिन अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है 5 जून तक। सो अब आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बड़े आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास अभी बहुत टाइम है। ठीक है, इन चार कोर्सेज के अंदर आप लोग को अगर अप्लाई करना है तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, आप लोगों को 2500 रुपीज़ बनने हैं फ्रेश कैंडिडेट अगर आप लोग हैं, और अगर आप लोगों ने पहले 1500 भर रखे हैं तो आप लोग काउंसलिंग फीस 1000 रुपीज़ भर के इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो काउंसलिंग फीस तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने 1500 भरे हैं, काउंसलिंग फीस आप लोगों को देनी ही पड़ेगी। अब उसके बाद होता है आप लोगों का वेरिफिकेशन जो कि चलता है आप लोगों का 8 जून तक। ठीक है, उसकी डेट भी आगे बढ़ा दी गई है, 8 जून तक का वेरिफिकेशन चलेगा। वेरिफिकेशन उन बच्चों को होता है जो कि SC ST OBC या फिर EWS के अंदर आते हैं, फिर कोई भी ऐसी कैटेगरी में आते हैं, PWD वगैरह। सो जो भी इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चलती है जो कि चलेगी 8 जून तक। एंड सेम 8 जून तक आप लोगों की चलेगी चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 31 मई से। 31 मई से 8 जून तक का आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग आप लोगों की क्या होती है, चॉइस फिलिंग के अंदर आप लोगों को कॉलेजेस फिल करने होते हैं। ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी के जितने भी इन चार कोर्सेज के कॉलेजेस हैं आप लोगों को अपने कोर्स के हिसाब से सारे कॉलेजेस डालने पड़ेंगे। सो जो भी कॉलेजेस हैं आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप लोगों को अगर LLB के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए सो LLB के रिगार्डिंग मैं आप लोगों की चॉइस फिलिंग लिस्ट बनवा सकता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने LLB के अंदर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया था, चाहे वो BA LLB हो गया, चाहे वो BBA LLB हो गया। आप हमारी पास्ट ईयर वीडियोस भी देख सकते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने LLB के अंदर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया। आप लोग हम पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट ईयर 1000 से ज्यादा बच्चों के एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में करवाए हैं। सो बिल्कुल आप लोग हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि आप लोगों को कैसे एडमिशन करवाना है, कैसे क्या करना है, अगर आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी या फिर LLB के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसी ही और अपडेट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे चैनल कॉमर्स भैया को अभी के भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी कॉलेज टूर वीडियोस और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाला हूं आईपी यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग। ये वीडियो चलेगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।